सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रघुवंशी ब्लॉग। और फाइनली हम लोग जा रहे हैं घूमने में, जल्दी जल्दी में है, सो इसलिए थोड़े देर में आप लोग से बातें करते हैं। सो गाइज, कोलकाता में था हमारा ये पहला दिन, डे वन था ये, और बहुत मज़ा आया था सच में। और फर्स्ट डे हम लोग घूमने गए थे जो था विक्टोरिया मेमोरियल, हाँ वहाँ गए थे घूमने, और बहुत ही खूबसूरत जगह था, बहुत अच्छा लगा देखकर वहाँ। तो देखिए, आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसा है वहाँ का जगह, कैसा क्या है, और आप लोग घर बैठे देखिए। और हम तो सामने से देखे, बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर्स जो सामने से ही देखे होंगे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, और टिकट लेना था वहाँ, तो टिकट वगैरह लिए, उसके बाद अंदर गए। तो देखिए, बहुत अच्छे अच्छे जगह है। तो देखिए, यहाँ हस्बैंड मेरे टिकट ले रहे थे, उसके बाद हम लोग अंदर गए थे। सो गाइज, ये रहा विक्टोरिया मेमोरियल, और इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना सच में, एकदम चारों ओर गार्डन था, और बहुत मतलब उधर पानी पानी सा था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। देखिए, आप लोग के साथ सब कुछ दिखाएंगे, बहुत बड़ा था, हम लोग घूमते घूमते थक भी गए थे, बट बहुत अच्छा भी लगा था। अंदर जाने के बाद ये जो आईना टाइप बनाया हुआ है बड़ा बड़ा सा चारों तरफ से, ये और खूबसूरती को बढ़ा देता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं यहाँ, तो वहीं हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे थे। और इसमें मेरा फुल लुक भी आ रहा था हस्बैंड के साथ, सोचे कि ले लें। अंदर भी ऐसे गए हम लोग, तो बहुत सारा था, और यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितना सारा चीज़ है। और ये सारे चीज़ों को हम म्यूज़िक पर डालेंगे, तो आप लोग देखिए। ये मतलब उनका ये होगा ऐसे महल, ये महल उन्हीं का है, असली महल है। ऐसे ही मतलब ये बैठता होगा पूरा, मतलब आदमी रहता होगा शांत, क्या बोलते हैं। यार, जो हम एकदम उसी ये में जा रहे हैं, कैसे रहता होगा लग।
कहाँ फोटो लेना बोले? यहाँ लिया जाए। सो गाइस यहाँ बहुत लोग फॉरेन से आए हुए थे, देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे लग रहे थे, क्यूट क्यूट से, और बहुत अच्छा लगा देख के उन सबको। और यहाँ देखिए ये जो था ना, बहुत सुंदर लग रहा था नीचे से लेने पे, मतलब इतना महल सुंदर था ना, ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा पर्सनली, बहुत ज़्यादा। आई नो सबको अच्छा लग रहा होगा जो जो देखते होंगे, बट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था ये। पर एक होता है ना, मन नहीं कर रहा था यहाँ से निकलने का, ऐसा यह जगह था, लग रहा था ये देखें ये जाने क्या है, ऐसा ऐसा आ रहा था मोमेंट। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने के बाद कुछ ऐसा दृश्य था बाहर का, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना, सच में क्या बताऊँ मैं, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे फ़ोटो तो नहीं ले पाए क्योंकि अपोजिट साइड पड़ रहा था। और ये देखिए ये सब राइफल वगैरह ये सब भी रखा हुआ था, बहुत सारे चीज़, बहुत सारे गन भी थे, वो सब का भी आगे होगा वीडियो, तो देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे चीज़ थे यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ का तो बना नहीं पा रहे थे वीडियो, देखने में ही रह जा रहे थे इसलिए नहीं बन पा रहा था। यहाँ पे देखिए बहुत तरह के गन हैं, तो वहाँ मेरे को दिखा तो हम गए कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। और यहाँ कुछ कुछ पेपर्स थे जो लेटर्स लिखे हुए थे बहुत पहले के, वो सब थे। लेटर था नहीं, कौन सा भाषा में? अच्छा वो बुलेट है नहीं।
जा रहे थे गार्डन के तरफ, उधर भी बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था तालाब टाइप, एंड यहाँ पे जो बैठने का जगह था बहुत ही अच्छा था, बहुत पीसफुल भी था। तो चलिए देखिए। प्री वेडिंग शूट हो रहा है, प्री वेडिंग शूट हो रहा है। गाइज, अभी बात करने का टाइम मिला, बहुत टाइम बाद अभी बैठे हैं हम लोग, आए हैं विक्टोरिया। नहीं बोला, बोले करने के चले। अकेले में बोल रहे हैं, इनको नहीं पसंद आता थोड़ा बोलने बोलने वाला। क्या नाम है विक्टोरिया, याद तो दिला दीजिए। डालोगे? हाँ तो बताते ही नहीं है, विक्टोरिया हाउस। तो जो भी आप लोग समझ गए होंगे, तो देख मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को घूम के, फाइनली हम घूमे, कोलकाता आए हुए हैं हम। और देखिए बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको, गाइज। घूम के हम लोग निकल गए थे बाहर, और अपना कैब भी जो मतलब बुक किए थे वो आ गए थे। और बाहर निकलते टाइम भी यहाँ बहुत अच्छा अच्छा चीज़ देखने को मिला, जैसे कि घोड़ा, मतलब आप हॉर्स राइड कर सकते हो, और ये जो था महाराजा टाइप गाड़ी बनाया हुआ था उस पर भी बहुत लोग बैठ रहे थे, इंजॉय कर रहे थे यहीं पे रोड पे आसपास। तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के, हम लोग तो नहीं किए क्योंकि हम लोग को लेट भी हो रहा था। देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ी है, लग रहा था राजा महाराजा रानियों का गाड़ी है वैसा
अच्छा लग रहा था और बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। सो गाइस आ गए हम लोग होटल में। और बहुत थक गए बहुत थक गए बहुत क्योंकि आज रेस्ट भी नहीं मिला, सुबह से उठे हैं, आज सोएंगे तो शायद कल अच्छा फील हो। सो चलिए इस ब्लॉग को एंड करेंगे, और कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड जितना हो सके शेयर। नहीं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।